वेलकम बैक। तो पिछली वीडियो में हमने डेवलपमेंट के काफी सारे प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा और एक प्रिंसिपल उनमें से आया था कि डेवलपमेंट के ऊपर एनवायरनमेंट का, कल्चर का, सोसाइटी का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। एक्चुअली इसके ऊपर एक साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च करी और उसने सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं, उसने बोला बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनका आपके डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। और उस साइकोलॉजिस्ट ने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया उस इफेक्ट को कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे डेवलपमेंट पे अपना इफेक्ट डालती हैं और किस तरह से वो इफेक्ट डालती हैं और वो कितनी चीजें हैं, उन सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एक साइकोलॉजिस्ट ने, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट ने जिसका नाम था ब्रॉनफेनब्रेनर। तो अब हम पढ़ेंगे ब्रॉनफेनब्रेनर की थ्योरी। साइकोलॉजिस्ट का नाम है ब्रॉनफेनब्रेनर, ब्रॉनफेनब्रेनर। और ब्रॉनफेनब्रेनर ने अपनी थ्योरी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कौन से ऐसी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक बच्चे के डेवलपमेंट पे अपना इफेक्ट डालती हैं। और उसकी थ्योरी का नाम है बायो इकोलॉजिकल थ्योरी, बायो इकोलॉजिकल थ्योरी। इस थ्योरी का पुराना नाम सिर्फ इकोलॉजिकल थ्योरी था, तो एक दो बार जो क्वेश्चन आए हैं उनमें इकोलॉजिकल भी लिखा है, बट इसका पूरा नाम है बायो इकोलॉजिकल थ्योरी। तो प्लीज आप दोनों तरह से याद रखिएगा। ब्रॉनफेनब्रेनर ने एक्सप्लेन किया है कि डेवलपमेंट पे कौन कौन से फैक्टर्स का इंपैक्ट पड़ता है, क्या क्या चीजें हैं, और उसको उसने पांच सिस्टम्स में एक्सप्लेन किया। ब्रॉनफेनब्रेनर कहता है हमारी इकोलॉजी, इकोलॉजी मतलब एनवायरमेंट जिसमें लिविंग चीजें भी हैं, जिसमें नॉन लिविंग चीजें भी हैं, सब हमारे डेवलपमेंट पे अपना इफेक्ट डालती हैं, बट हम भी अपने डेवलपमेंट पे अपना इफेक्ट डालते हैं, जो है बायो वाला पार्ट, हालांकि बात में ऐड किया गया है। तो मेन जो इसका कंसर्न था वो था एनवायरमेंट में ऐसी चीजें जो कि लिविंग है, ऐसी चीजें जो कि नॉन लिविंग है, और वो दोनों किस तरह से हमारे ऊपर अपना इंपैक्ट डालती हैं। तो ब्रॉनफेनब्रेनर की बायो इकोलॉजिकल थ्योरी में है पांच सिस्टम, एक दो तीन चार पांच। तो ब्रॉनफेनब्रेनर ने अपनी थ्योरी में पांच सिस्टम्स की बात की है जो एक इंसान के डेवलपमेंट पे अपना इंपैक्ट डालती हैं, ठीक है, जो एक इंसान के डेवलपमेंट पे अपना इंपैक्ट डालती हैं। अब वो कौन से पांच सिस्टम हैं, ब्रॉनफेनब्रेनर उनको एक्सप्लेन करता है सर्कल्स में। तो एक के बाद बाहर एक के बाद एक सर्कल बनते जाते हैं और बीच में, ठीक बीच में जो एक सर्कल है वो है बच्चा। तो ब्रॉनफेनब्रेनर के अकॉर्डिंग बच्चा जो है वो है सेंटर में एक सिस्टम के, और ऐसे बहुत सारे एक के बाद बाहर सिस्टम बनते जा रहे हैं। तो ये है बच्चा और इसके बाहर है एक सिस्टम, पहला सिस्टम जो मैं यहां पे नाम लिखूंगा और एक्सप्लेनेशन दूंगा। पहले सिस्टम के बाद, ठीक पहले सिस्टम के बाद है दूसरा सिस्टम, और ठीक दूसरे सिस्टम के बाद है तीसरा सिस्टम, तीसरा सिस्टम, ठीक तीसरे सिस्टम के बाद है चौथा सिस्टम, ये है चौथा सिस्टम, और सबसे एंड में है पांचवां सिस्टम। सिस्टम पांच। तो ब्रॉनफेनब्रेनर ने ये पांच सिस्टम दिए हैं और ठीक बीच में है बच्चा, चाइल्ड, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। तो ठीक बीच में है चाइल्ड, इस चाइल्ड के ऊपर पांच अलग अलग टाइप के सिस्टम्स का इंपैक्ट पड़ता है। ये जो वन बाय वन नंबरिंग लिखी हुई है, ये सारे सिस्टम बच्चे के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। तो पहला सिस्टम बच्चे के ऊपर, दूसरा सिस्टम, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब सिस्टम बच्चे के ऊपर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। तो क्या है ये सिस्टम और कैसे डालते हैं प्रभाव, इसकी स्टडी करते हैं। ये वाला टॉपिक आपको कहां से पढ़ना, अगर आपका और ज्यादा डिटेल में पढ़ने का मन हो तो एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 4, एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 4, एनसीईआरटी साइकोलॉजी की जो बुक है उसमें क्लास 11th की बुक में चैप्टर नंबर 4 का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट। वो चैप्टर आप पूरा पढ़ सकते हैं, उस चैप्टर में ये वाली थ्योरी काफी अच्छे से दी है, और थ्योरीज बहुत अच्छे से नहीं है बट ये वाली थ्योरी काफी अच्छे से है और बेसिक चीजें काफी अच्छे से बताई हुई है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये जरूर पढ़ें, ठीक है। अब हम जरा इन सिस्टम की बात करते हैं। सबसे पहला सिस्टम है माइक्रो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम। माइक्रो वर्ड का मतलब होता है छोटा, माइक्रो वर्ड का मतलब होता है छोटा। ये जो बच्चे से डायरेक्ट कांटेक्ट में पहला सिस्टम है ये है माइक्रो सिस्टम, बच्चे पर अपना डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है ये सिस्टम, और इसमें बहुत कम लोग आते हैं, मेनली स्कूल और घर से जुड़ी चीजें, जैसे स्कूल में है माता पिता, सॉरी घर में है माता पिता और स्कूल में है टीचर्स और फ्रेंड्स, और घर में इसके अलावा दादा दादी, भाई बहन, ये सब भी हो सकते हैं।
तो ये सब आते हैं माइक्रोसिस्टम में जो बच्चे के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं और ये बहुत कम है, इसलिए वर्ड है माइक्रो। तो माइक्रो मतलब बहुत कम है, ये बहुत छोटा सिस्टम है, बट इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा पड़ता है क्योंकि ये बच्चे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है। तो सबसे पहला सिस्टम सबसे छोटा सिस्टम है जिसमें सिर्फ स्कूल और घर और इनसे जुड़ी चीजें आती हैं, बट ये छोटा है मगर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है बच्चे के ऊपर क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है बच्चे के साथ। ठीक इसके बाहर है दूसरा सिस्टम और दूसरे सिस्टम का नाम है मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम, मीजो का मतलब होता है मिडल में, मीजो सिस्टम है मध्य मंडल, मतलब दो चीजों के बीच में आपस में कैसा इंटरैक्शन हो रहा है उसका प्रभाव पड़ेगा बच्चे पे। तो मीजो सिस्टम में जैसे पिछले माइक्रो सिस्टम में हमने बोला स्कूल आता है और घर आता है, स्कूल एंड होम, तो इन दोनों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है, बट मीजो सिस्टम है स्कूल और घर का आपस में कैसा रिलेशन है, उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है उसका प्रभाव बच्चे पे पड़ता है, इसको हम बोलते हैं मीजो सिस्टम। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पेरेंट्स आते हैं, टीचर से मिलते हैं, दोनों बच्चे के बारे में कुछ कुछ डिसाइड करते हैं और जो भी उनके बीच में आपस में रिलेशन है उसका प्रभाव पड़ेगा बच्चे पे। ये है सेकंड सिस्टम जिसका नाम है मीजो सिस्टम और इसमें है स्कूल और घर का आपस में इंटरेक्शन। आप ध्यान से देखिए, पहले वाले में मैंने लिखा है स्कूल और एडिंग होम, स्कूल प्लस होम, तो स्कूल अलग प्रभाव डाल रहा है, घर अलग प्रभाव डाल रहा है, टोटल प्रभाव है माइक्रो सिस्टम। बट यहाँ पे स्कूल मल्टीप्लाइड बाय होम, मतलब ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं और इन दोनों के इंटरैक्शन का प्रभाव रिजल्ट पड़ता है बच्चे पे, वो है मीजो सिस्टम। तीसरा सिस्टम है एग्जो सिस्टम। एग्जो सिस्टम, एग्जो मतलब होता है एक्सटर्नल, बाहरी। इसमें क्या होता है कि हुआ किसी और के साथ बट जिसके साथ हुआ बच्चा उससे जुड़ा हुआ, उससे कनेक्टेड है, इसलिए प्रभाव बच्चे पर भी पड़ा। तो इसमें क्या आएगा, ध्यान से सुनिए, एग्जो सिस्टम में क्या आएगा, एक कोई इंडिविजुअल है एक्स, इस एक्स के साथ कुछ हुआ और जो इस एक्स के साथ हुआ उसकी वजह से प्रभाव पड़ेगा हमारे चाइल्ड पे, बच्चे पे। तो एक्स का प्रभाव बच्चे पे पड़ रहा है वो तो ठीक है, बट एक्स के साथ जो हुआ उसका प्रभाव भी बच्चे पे पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स का ट्रांसफर, तो मान लो बच्चा एक शहर में रहता है दिल्ली में, वो दिल्ली के स्कूल में पढ़ता है, फिर क्या होता है उसके पेरेंट्स दिल्ली में जो जॉब करते हैं उनका ट्रांसफर किसी दूसरे शहर हो गया, दोनों पेरेंट्स दूसरे शहर जा रहे हैं, बट पेरेंट्स के साथ बच्चे को भी जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बच्चा पेरेंट्स के साथ जाएगा, बच्चा पेरेंट्स के साथ रिलेटेड है, मगर ट्रांसफर बच्चे का नहीं हुआ, प्रभाव बच्चे पे पड़ रहा है। अब जब वो दूसरे शहर जाएगा उसका स्कूल बदल गया, उसके फ्रेंड बदल गए, उसका सारा एनवायरमेंट बदल गया, बट ट्रांसफर बच्चे का नहीं हुआ है, ट्रांसफर हुआ है पेरेंट्स का, बट क्योंकि पेरेंट्स से बच्चा कनेक्टेड है इसलिए इफेक्ट बच्चे पे पड़ा। अब इसमें ट्रांसफर के अलावा और भी बहुत कुछ आ सकता है, जैसे कि आप घर में आकर बच्चों के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे हो क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस में हो और वो स्ट्रेस आ रहा है आपको आपकी जॉब से, तो जॉब से स्ट्रेस आ रहा है बट उसका प्रभाव बच्चे पे पड़ रहा है, उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट बच्चे पे पड़ रहा है, बच्चा जॉब में नहीं है, बच्चे के साथ स्ट्रेस नहीं आ रहा है बट बच्चे के ऊपर स्ट्रेस का इफेक्ट पड़ रहा है, वो है एग्जो सिस्टम। ऐसे स्कूल में जितनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है गवर्नमेंट वो एग्जो सिस्टम में काउंट हो सकती है, गवर्नमेंट स्कूल के लिए पॉलिसी बनाती है या पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसी बनाती है और उसका प्रभाव बच्चों पे पड़ता है, तो इस तरह की चीजें भी आती हैं एग्जो सिस्टम में, एग्जो मतलब बाहरी। ठीक है, अब चलते हैं चौथे सिस्टम पे जो है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, मैक्रो सिस्टम में आती है बड़ी बड़ी चीजें जो हमारे बच्चे के ऊपर प्रभाव डाल रही है, बट सिर्फ बच्चे पे नहीं उसके जैसे और बहुत सारे लोगों पर प्रभाव डाल रही है, जैसे कि रिलीजन, जैसे कि कंट्री, जैसे कि मास मीडिया। तो एक बच्चा है टीवी चैनल देख रहा है और उस टीवी चैनल में जो दिखाया जा रहा है वो अकेला नहीं देख रहा है, उस टीवी चैनल को उस टाइम पे पता नहीं दुनिया में और कितने सारे लोग देख रहे होंगे, तो उन सबके ऊपर उस टीवी चैनल में जो दिखाया जा रहा है उसका प्रभाव पड़ता है, वो थिंकिंग सब बच्चों में जाती है। इसी तरह से रिलीजन, धर्म या जाति, तो एक धर्म की जो सोच है वो उस धर्म के सारे लोगों में जाती है, आप इसको नहीं रोक सकते। ऐसी कंट्री, जैसे आप लोग भारत में रहते हो तो आप लोगों को एक तरह से कंपल्सरी है कि किसी दूसरे देश की तुलना में अपने देश को अच्छा मानना, बट ऐसी दूसरे देशों में होगा जो दूसरे देश में रह रहे हैं, मान लो कोई एबीसीडी कंट्री है तो एबीसीडी कंट्री के लोगों को लगेगा कि पूरी दुनिया में हमारा देश सबसे अच्छा है। तो इस तरह की थिंकिंग कहां से आई, आपकी कंट्री से, और इस तरह की थिंकिंग आपके रिलीजन की भी हो सकती है, कल्चर की भी हो सकती है और मास मीडिया से भी आ सकती है कि आप किस तरह के हो। तो ये है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो क्यों, क्योंकि यहां पे प्रभाव बहुत सारे लोगों पर पड़ता है, इसलिए नाम है मैक्रो सिस्टम। तो मैक्रो सिस्टम में बहुत सारी चीजें आती है जहां पर प्रभाव बहुत सारे लोगों पर पड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं पांचवें सिस्टम में जो है सबसे बाहर, और पांचवा सिस्टम है क्रोनो सिस्टम।
क्रोनो सिस्टम. क्रोनो का मतलब होता है टाइम रिलेटेड चेंजेस. क्रोनो वर्ड का मतलब होता है टाइम रिलेटेड चेंजेस. ऐसे चेंजेस जो टाइम के साथ आते हैं उनका प्रभाव पड़ता है हमारी नई जनरेशन पे, और पुरानी जनरेशन के पास क्योंकि वो चीज नहीं थी तो उन पे नहीं पड़ता है. तो टाइम के साथ जो चीजें आती हैं वो है क्रोनो सिस्टम. जैसे कि टेक्नोलॉजी, आजकल के बच्चों को स्मार्टफोन यूज करना बहुत अच्छे से आता है, बट आजकल के बच्चों को कीपैड वाला फोन यूज करना बिल्कुल नहीं आता है. और जब हम बच्चे थे तो हमने तो घर में लैंडलाइन भी यूज किए हैं, जो कि वायर होती थी जिसको हम खोल खोल के ठीक किया करते थे, हमें बड़ा अच्छा लगता था. तो वो था क्रोनो सिस्टम की आजकल के बच्चों पर अलग तरह से प्रभाव पड़ रहा है और पुराने लोगों पर अलग तरह से पड़ा है. जब इन्वेंशंस होती है जैसे पोलियो वैक्सीन नहीं थी तो बहुत सारे लोगों को पोलियो होता था, बट फिर पोलियो के वैक्सीन की इन्वेंशन हो गई और आजकल लोगों को पोलियो नहीं होता है. ये है क्रोनो सिस्टम. अगर हम बात करें फैमिली सिस्टम की, तो पहले लोग ग्रुप में रहते थे, फैमिली बहुत बड़ी हुआ करते थे जिसको ज्वाइंट फैमिली बोलते थे. तो ज्वाइंट फैमिली में अलग तरह से डेवलपमेंट होता था बच्चों का, बट आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा हैं तो बच्चों का डेवलपमेंट अलग तरह से हो रहा है. वो टाइम की वजह से हो रहा है. जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है डेवलपमेंट अलग अलग टाइप से हो रहा है. ये है क्रोनो सिस्टम. तो क्रोनो सिस्टम में आता है टाइम के साथ जो जो चीजें चेंज होती है, जिनमें टेक्नोलॉजी आती है, जिनमें सोसाइटी में चेंजेस आते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें जो जुड़ी हैं इन सबसे, वो है क्रोनो सिस्टम में. अब ध्यान से देखिए, ये है पांच सिस्टम. सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चे का पड़ रहा है सबसे पहले सिस्टम में, क्योंकि बच्चा इससे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है, और जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं और सिस्टम ऐड होते जा रहे हैं और प्रभाव उनका भी पड़ रहा है. तो टोटल पांच सिस्टम ब्रॉनफेनब्रेनर ने बताए. इनको आपको बहुत अच्छे समझना है. इनमें अलग अलग जगह क्वेश्चन आ रखे हैं और होपफुली आपके आगे केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम में और जो भी टीचिंग एग्जाम आप देना चाह रहे हो उनमें भी क्वेश्चन आएंगे. तो ये आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, सोर्स मैंने आपको बता दिया, आप यहां से पढ़िए. और आगे की वीडियो में हम बात करेंगे फाइनली डेवलपमेंट, अब कंक्लूड होने वाले बेसिक डेवलपमेंट. तो आगे की वीडियो में हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे. तो आगे की वीडियो में मिलते हैं आपसे और अगला टॉपिक पढ़ते हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड. तब तक के लिए नमस्ते.